शीतल जी, कांग्रेस का हमने भी एक वो दौर देखा, और आपने तो हमसे ज्यादा दौर देखा होगा। देश के लगभग हर राज्य में कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, और लगता था ये सूरज कभी अस्त होगा ही नहीं कांग्रेस का, कहीं विपक्ष था नहीं। धीरे धीरे करके स्थिति खराब होती चली गई, और राहुल गांधी कभी कभी तो बहुत इंटेलेक्चुअल लगते हैं। भाषण उनका सुनिए, विदेशों में जो बोलते हैं तो बहुत इंटेलेक्चुअल लुक आता है। क्या ये सही है कि वो इंटेलेक्चुअल हैं लेकिन राजनीति करना उन्हें नहीं आती, उन्हें राजनीति अच्छी पसंद नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं लगता राहुल गांधी को पकड़ के जबरदस्ती राजनीति कराई जा रही है? कभी कभी उनके एक्ट से लगता है कि राहुल गांधी चाहते नहीं राजनीति करना, उनसे राजनीति कराई जा रही है। लेकिन अगर जबरदस्ती कराई जा रही है तो क्या कांग्रेस अभी और बुरे हाल में जाएगी, क्या यहाँ मामला रुकेगा कुछ? शीतल जी, देखिए, कांग्रेस लगातार दो लोकसभा चुनाव बहुत बुरी तरह से हारी है, लेकिन दोनों चुनाव में एक फर्क आया है कि उसके मतों में थोड़ी सी वृद्धि हुई है पिछले चुनाव से इस बार के 19 के चुनाव। अभी कोई ऐसी संभावना नहीं दिखती कि वो सत्ता में आ सके, ऐसी भी संभावना नहीं दिखती कि वो बहुत राज्यों में रह सके जहां वो है, कायम रह सके। और उसको जो कॉरपोरेट फंड्स वगैरह मिलते थे उनमें बहुत कमी आई है। हम अब तो चूंकि ऑफिशियल हो गया है, बॉन्ड्स वगैरह का सारा डाटा आपके पास आता ही है, एडीआर आपको बताता ही रहता है कि 90% जो भी कॉरपोरेट फंड आ रहा है वो बीजेपी के खाते में चला जाता है, कभी 5% कभी 10% बचता है, वो कांग्रेस समेत देश की सारी रीजनल पार्टीज वगैरह में बढ़ता है। तो सबके सामने एक स्कैरसिटी है इस समय फंड्स की। बीजेपी के सामने जिसके पास 90% कॉरपोरेट फंड ऑफिशियल चला जा रहा है, जो केंद्र में सरकार में है, जो असंख्य राज्यों में सरकार में है, जो लगभग हर राज्य में उसका गवर्नर ही है, तो सत्ता पर उसकी बड़ी जबरदस्त पकड़ है, सारा मीडिया उसके गुण गा रहा है, सारे सोशल मीडिया में जो कंट्रोलिंग ऑफिसेज हैं वहाँ उसके लोग बैठे हुए हैं, तो सोशल मीडिया भी उसके नियंत्रण में है। एक इस तरह से पावरफुल आप कहें कि एडवर्सरी सामने हो, और कांग्रेस के पास न फंड्स हैं और न भविष्य नजर आ रहा है, तो वो सारे लोग जिनको सतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि वो 5 किलोमीटर के दायरे के नेता है, और जिनको सुशील दुबे जी ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि कैसे वो महाराज की तरह आया करते थे, कि वो प्रभारी होते थे और एक जिले के मतलब प्रदेश की राजधानी की पार्टी के अध्यक्ष होने के बावजूद सुशील जी वगैरह सिर्फ इतने से संतुष्ट हो जाते थे कि अगर उन्होंने नाम ले लिया या मुस्कुरा दिए देख के तो इट वॉज इनफ। जिन्होंने इस तरह का पावर एंजॉय किया हो वो अब कठिनाई एंजॉय नहीं कर सकते। कांग्रेस को अब वक्त है, उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, बल्कि क्योंकि ईडी की जो जांच है या जो जांच का मुकदमा है वो राहुल गांधी सोनिया गांधी तक पहुंच गया है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि जो ऊपर के इलीट में एक समय एक समझौता होता था पॉलिटिक्स में भी और अदरवाइज भी कि वो एक दूसरे को नहीं छेड़ते थे, वो बार मोदी जी के जमाने में टूट गया है। जब बुला के ईडी ने बैठा लिया 5 दिन 55 घंटे राहुल गांधी को और करीब 26 घंटे सोनिया गांधी को 30 घंटे, तो वो बार खत्म हो चुका है। तो ये जितने भी इस तरह के गगन बिहारी लोग हैं जो 5 किलोमीटर दायरे की राजनीति करके राज्यसभा या दूसरी सभाओं से आके जिन्होंने पावर एंजॉय की है, ये लोग आज की राजनीति में अब टिक नहीं सकते, बिना बंगलों के, बिना पदों के, बिना पैसे के, बिना और चीज़ों के। चाहिए इनकी इनकी एक टांग कब्र में चली जाए और सिर्फ दिल धड़क रहा हो या नाड़ी चल रही हो, तब भी ये यही सब करते हुए आपको मिलेंगे। तो ये सब बहुत अपॉर्चुनिस्ट और बहुत घटिया लोग हैं जीवन में, मैं माफ़ करिएगा, मैं जानता हूं, चूंकि बहुत समय से मैं काम करता रहा हूं पत्रकारिता में, ये बहुत ही घटिया लोग हैं व्यक्तिगत तौर पर अदरवाइज भी, लेकिन चलिए किसी एक को क्यों कहा जाए, ये पूरा पूरी जमात है। कि कोई अब इस समय कांग्रेस को, कांग्रेस तो क्या है, जो भी है निश्चित तौर पर उसी परिवार के नाम पे चलता है। बहुत बार ये कोशिशें हुई, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और संघ की ये लाइन है कि वो ये जो नेहरू गांधी परिवार है इसको आखिरी चरण में पहुंचा दे, क्योंकि यही एक चुंबक है जिसके नाम पर अभी भी देश में 10 करोड़ लोग पता नहीं कैसे किस वजह से वोट दे देते हैं, 10-12 करोड़ लोग अपने वोट फेंक देते हैं ये जानते हुए कि ये नहीं कहीं जीत पाएंगे, लेकिन इनको दे रहे हैं। आज भी सबसे ज्यादा वोट इस नाम पे दे दे रहे हैं, गांधी नेहरू का जो तमगा है। इनमें से कोई भी वो जो
गैंग ऑफ 23 बना था, इनमें से कोई 23 लाख वोट भी नहीं ला सकता, 12 लाख भी नहीं ला सकता पूरे देश में। ये सच्चाई है। और किस चीज की डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं? और राहुल गांधी के पास कौन सा सलाहकार है इस समय? सोनिया गांधी, प्रियंका, वहां कौन है? अहमद पटेल के जाने के बाद तो वहां कोई नहीं है। बहुत नए लड़के हैं, कुछ नेशनल हेरल्ड वगैरह में काम कर रहे हैं, नए नए प्रवक्ता हैं जो आप अपनी मेहनत से खिल के आ रहे हैं। अभी नई पार्टी बन रही है और ये एक आंदोलन से बनेगी, क्योंकि सामने ताकत इतनी बड़ी है कि बिना आंदोलन के उसका कोई मुकाबला नहीं हो सकता। और इसको इंचिंग करनी पड़ेगी। पिछली बार ये 45-46 सीट पे थी, अब की 60-62 पे है, अगली बार 80-82 हो सकती है। ऐसी इंचिंग होगी इसकी अभी कई चुनावों में, तब जाके शायद, और अगर नहीं ये कर पाई तो उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। क्योंकि राजनीति और जो फ्यूचर है किसी भी देश या समाज का, वो कहीं एक ऐसे टिका नहीं रहता। और ये आकर्षण भी, अगर वो लोग, बिल्कुल मैं मानता हूं कि राहुल गांधी काबिल नहीं होंगे, लेकिन राहुल गांधी में एक चीज बेहतर हमें लगती है आज के वक्त, उन चीजों पर वैसा बोलना जैसा बोला जाना चाहिए ईमानदारी से। ये काम करने से उन्होंने क्या इन गैंग ऑफ 23 को रोक रखा था? उसमें कौन सा सलाहकार जाके गुलाम नबी आजाद को कह रहा था कि तुम वो महिला जिसके साथ परिवारजनों को मार दिया गया, जिसके साथ गैंगरेप हुआ, जिस मामले में गुजरात में ये डिसीजन आया है, इनमें से 23 में से कितने लोगों का बयान आपने सुना? इस पे बयान देने से कौन रोक रहा था? राहुल गांधी ने बयान दिया ना। राहुल गांधी इस देश में उन सारे सवालों पे बोल रहा है आदमी, जबकि उसके मुख्यमंत्री तक बहुत से राज्यों में उन्हीं अडानी अंबानी से अभी भी पैसे ले रहे हैं, उनके फैसले कर रहे हैं। उनके फैसले रोकने के लिए राहुल गांधी को लोग चिट्ठियां लिख रहे हैं, राहुल गांधी उनसे अपील कर रहा है, कई बार वो सुन रहे हैं, कई बार नहीं सुन रहे, क्योंकि वो इस समय कमजोर हो गया है। वो कमजोर इन सब कारणों से हो गया है, वो कमजोर कम वोट लाने से हो गया है, कम पैसे से हो गया है, कम और भविष्य में किसी बड़ी संभावना की अनुपस्थिति से हो गया। और उस समय ये लोग अब कुर्बानी नहीं दे सकते, इनको वो सब जो मिल रहा था उतना नहीं तो उससे कुछ कम करके ही चाहिए। किसी को गवर्नर ही चाहिए, किसी को बंगला बचाना है, किसी को कम से कम जेल नहीं जाना है। इन सबके पास तो मतलब तमाम ऐसी चीजें हैं जिसमें अगर मोदी जी की ब्रिक्यूटी टेढ़ी हो जाए तो ये ईडी ने उधर कुछ नहीं पाया, इधर तो सब कुछ पा जाएगी। तो वो एक समस्या है। इस समय लड़ाई का दौर है, देश में लोकतंत्र खात्मे की ओर है। अब बिना लड़े, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे नागरिक जीवन हो, किसी के लिए कोई संभावना बची नहीं। तो जो इस रास्ते से अलग कोई बात कर रहा है तो आप समझ लीजिए वो अपने लिए सुविधा मांग रहा है या सुरक्षा मांग रहा है। या तो वो आने वाले संभावित खतरे से सुरक्षा मांग रहा है या अपने लिए सुविधा मांग, और कोई तीसरी चीज है ही नहीं। राहुल गांधी में 20 कमी होंगी भाई, हम कब कह रहे हैं कि वो खुदा है? वो तो सही बात है कि वो राजनीति के लिए बने नहीं थे, एक ऐसे परिवार में पैदा हुए। भाई आ तो गए थे नरसिम्हा राव, 5 साल नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री रहे तो यही कांग्रेस ही तो गए जाके सोनिया गांधी की जान ले ली इन्होंने कि भाई आप आओ नहीं तो कांग्रेस नहीं चलेगी। सोनिया गांधी तो बेचारी, लगभग कई बार ऐसा हुआ है इतिहास में, जब संजय गांधी की मृत्यु हुई और ला रहे थे तब वो चाह रही थी कि वो इस सब झंझट में न पड़े, अपने पति को रोक रही थी। बाद में भी जब 89 वगैरह में चेंज हुआ, फिर बाद में डेथ ही हो गई उनके पति की, तब वो बच्चों के साथ एक बार इस तरह का विचार कर चुकी थी कि अब हम लोग यहाँ की मिट्टी में नहीं हो पाएंगे। फिर एक बार 2004 में जब जीत के आ गए और बीजेपी की दो महिला नेत्रियों ने कहा हम सर मुड़ा लेंगे और फलाना कर देंगे और जनेऊ तोड़ डालेंगे, तब उस बेचारी ने कहा कि भाई मैं इस मिट्टी का, मेरे रेशे में नहीं है और मेरा प्रधानमंत्री बनना नहीं सूट करेगा। उसने मनमोहन सिंह के लिए सीट निकाली। तो कांग्रेस गई बार बार उसके दरवाजे पे, कांग्रेस उसके बेटे को पकड़ के लाई है कि तुम हमारे नेता बनो, वही उससे बार बार कह रही है। वो 10 करोड़ लोग जो वोट दे रहे हैं वो कह रहे हैं भाई आप लोग मांग रहे हो, लेकिन आप लोग खुद जानते हो कि इस देश में वो सुनता कौन है किसको। ठीक बात है, हम उसको कितने ही आरोपों में डाले कि वो परिवारवाद है, फलाना है, लेकिन अब देश की साई की है। ये देश अर्ध सामंती समाज मिजाज का देश है, ये इसी तरह से चल रहा है अभी तक। जब तक वो चीजें नहीं अभी ठीक हो रही हैं तब तक इस तरह से सोच है उसकी,
तमाम लोग अभी अपने नाम के पीछे महाराजा लिखते हैं, तमाम लोग राजा कहलवाना पसंद करते हैं और तमाम लोग उनको राजा महाराजा मानते और कहते हैं। तो ये देश अभी है ऐसा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। हमारे शीतल जी यूपी में सरकार में तो सरकार के ऑफिशियल जो अफसर हैं, ऑफिशियल अकाउंट है उसमें योगी जी को महाराज जी लिखते हैं, मतलब ऑफिशियल अकाउंट में। अरे गोरखपुर के हर पत्रकार उनके चरण छूता है, हर पत्रकार। तो अब ये हमारी कमजोरी है, ये सामाजिक कमजोरी है कि हम लोकतांत्रिक नहीं हो पाए। अब इसके लिए हम किसको किसको दोष देंगे, सारा ही समाज दोषी है उसमें, उसका नेतृत्व भी दोषी है वो भी है। तो राहुल गांधी से कोई रैम्बो की उम्मीद मैं नहीं करता, सिर्फ इतनी उम्मीद करता हूं कि आदमी ईमानदार रहे, भला रहे, बात करे, वो है उसमें। इसलिए मुझे भी अभी लगता है कि तुलनात्मक रूप में इन लोगों से तो ठीक है, जिनके बारे में सुशील जी ने बताया कि वो दृष्टि, मतलब वो कुछ नहीं थे, वो एक पावर से पावर ड्रा कर रहे थे, लेकिन वो इतना रुतबा झाड़ते थे। और इन लोगों ने, मुझे मालूम है क्या रुतबा एंजॉय किया है, हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए बहुत मतलब इस तरह के तमाम नेताओं के इंटरव्यूज वगैरह के लिए देखा, वो कितना रोब झाड़ते थे, कितनी पावर ऊज करते थे। वैसा मतलब राहुल के पिता में भी नहीं था, हाँ वो इन लोगों में था उस जमाने में भी, राहुल के पिता में ऐसा नहीं था। उनको मैंने अमेठी में आके कई बार गौर किया, हमने तो हमेशा उनके खिलाफ ही लिखा है, जो भी सत्ता में रहा उसके खिलाफ ही लिखा है, लेकिन मैंने नहीं देखा कि इस तरह का उसमें घमंड या वो सब था। सरल आदमी थे, वो भी राजनीति नहीं जानते थे, उनको भी यही सब कहा जाता था, चाटुकारों से घिरे हुए हैं। उनके समय तो सचमुच चाटुकार बड़े बड़े थे, अरुण नेहरू जैसी साइज के थे, जो 1 टन वजन के थे। इस समय राहुल गांधी के पास कौन है, कौन टिक रहा है भाई? उनके आसपास टिकना मतलब है अपने लिए समस्याएं निमंत्रित करना। कौन टिक रहा है? जेएनयू की एक लड़कों की टीम है, उस प्रियंका गांधी से लेके उनके आगे पीछे रहती है, अपने दिमाग से कथित सोशल इंजीनियरिंग कर रही, पता नहीं कहाँ पहुंचेगी कहाँ नहीं पहुंचेगी, लेकिन लगी है। कुछ और लोग हैं जो अभी लड़ भिड़ के वहां तक पहुंचे हैं, नजर आ रहे हैं, वो अपनी काबिलियत से टेलीविजन चैनलों पे एंकर, एक राजनीतिक विश्लेषक जो संघी होता है, एक संघ मामलों का जानकार और एक बीजेपी का प्रवक्ता, इतने लोगों को झेल के जो मीडिया में अपनी इमेज बना के आए हैं, अब वो लोग एंकर भी बीजेपी का है ही है। इसके बाद वो लेता है कांग्रेस के प्रवक्ता की जान लेने के लिए बैठता है, तो आप ये बताइए, तो आप ये बताइए, तो आपने ये क्यों नहीं किया, 70-75 साल में से 5-6 कंकाल निकाल के उसके ऊपर लाद देता है, वो भी वो बोलने नहीं देता उसको। इसमें से निकल के जो 4-6 चेहरे आए हैं टेलीविजन चैनलों में, जो गला फाड़ रहे हैं, फैक्ट ला रहे हैं, ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। कांग्रेस इस समय ऑड पोजिशन में, 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ है, बल्कि उससे भी ज्यादा राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने, इसलिए कि आप जाने न जाने, मोदी ये बात जानता है कि आज भी वो 10-12 करोड़ लोग जो वोट दे रहे हैं वो इसी गांधी नेहरू परिवार के नाम पे दे रहे हैं, और ये खत्म होना चाहिए, वो जानता है। ये लोग तो खैर मैंने आपको बताया सुविधा और सुरक्षा के लोग हैं, मिल जाएगी कुछ दिनों बाद खबर में हम लोग देख लेंगे।